बुजुर्ग आलिम थे हजरत मौलाना खादिम हुसैन साहब रजवी, उनका जो बेसिक कारनामा है वो ये है कि वो दर्जनों नहीं सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, यानी मैंने सोच समझ के लफ्ज़ कहा, उन्होंने सैकड़ों लोगों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया है और उनके अब शागिर्दों के शागिर्द भी मदरसों में पढ़ाते हैं। उन्होंने बड़ी सादा और आखिर तक ज़िंदगी उन्होंने वज़ादारी वाली गुजारी, सादगी वाली गुजारी, हसीन गुजारी, और बड़े नडर थे, बड़े बेबाक थे, बड़े खूबसूरत थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सिका आलिम दीन थे, जमात किसी भी सियासी जमात के पास इतना तगड़ा बंदा नहीं जिस तरह के हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब। फिर कल अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है, कुदरत आया और तेज़ी के साथ लोग उठ गए इस पिछले 2020 में, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत के लिए, लेकिन इस शख्स का जाना वो ज़्यादा ही तकलीफ़ दे गया, दिल मतलब मायल नहीं हुआ, मैं तो नाश्ता नहीं कर पाया तबीयत, और मैंने पहली दफ़ा फ़ैसला किया था मैं जुमा नहीं छोड़ा करता, सोचा था कि अगर जुमे के बाद जनाजा हुआ तो जुमा लाहौर जा के पढ़ूँगा।